भागलपुर में नशे का कारोबार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज सुबह सुबह सबौर और तिलकामांझी थाने की पुलिस ने SSP नितासा गुड़िया के निर्देश पर सबौर, तिलकामांझी व हबीबपुर क्षेत्र में छापेमारी कर 750 ग्राम स्मैक के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में सबौर कॉलेज के 12वीं का छात्र गौतम माफिया, मारवाड़ी कॉलेज का छात्र पंकज साह, मच्छरदानी का काम करने वाले मोहम्मद अतहर, मोहम्मद तनवीर शामिल हैं। CT SP शुभम आर्य ने प्रेस वार्ता कर बताया कि स्मैक का नेटवर्क कई क्षेत्रों में फैल गया है, लेकिन हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बता दें, भागलपुर के कई हिस्सों में स्मैक के कारण हत्या की भी घटनाएं सामने आई है, अतः पुलिस प्रशासन को लगातार छापेमारी करने की जरूरत है। सूचना मिली कि सबौर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर में आम बगीचा के निवासी गौतम माफिया नामक एक युवक है जो ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहा था। सूचना प्राप्त होने पर एक SIT का गठन किया गया, इसमें सबौर के थाना प्रभारी साहब और तिलकामांझी के थाना प्रभारी साहब इसमें संयुक्त रूप से छापामारी जो किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में, जिसमें छापामारी गजो टीम का जो गठन हुआ उन्होंने संयुक्त रूप से जो छापामारी की, जिसमें सबसे पहले गौतम माफिया के पास से 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में उसके स्वीकारीकृत बयान में के आधार पर जो हमने छापामारी की उसमें तिलकामांझी चौक से पंकज शाह नामक एक नवयुवक के पास से तकरीबन 194 ग्राम ब्राउन शुगर का पैकेट हमने बरामद किया, जिसमें जो तकरीबन 26 पीस में था, इसका वजन 36 ग्राम बरामद किया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार पंकज शाह के स्वीकृत बयान में छापामारी जब आगे किया गया तो हबीबपुर थाना क्षेत्र में हमें चमेली चक में हमने एक गुलाम आलम के पास से 198 ग्राम और 177 ग्राम के दो अलग अलग पन्नी के पैकेट में ब्राउन शुगर तथा 40 पन्नी के पुड़िया इसमें ब्राउन शुगर जिसका वजन तकरीबन 47 ग्राम मोहम्मद अथर के पास से 40 पीस पन्नी का पुड़िया ब्राउन शुगर जिसका वजन तकरीबन 45 ग्राम तथा एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन तथा मोहम्मद तनवीर के पास से 40 पीस पन्नी का पुड़िया जिसमें ब्राउन शुगर जिसका वजन 45 ग्राम बरामद किया गया। इन सब लोगों की गिरफ्तारी की गई। ये अभियान नशा मुक्ति जो प्रोग्राम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसके तहत किया गया है। धन्यवाद। कुल 750 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। कहाँ से ब्राउन शुगर आया भारत? ये वेस्ट बंगाल का एक एरिया है डालकोला, जहाँ से ये लेके आते हैं। इसमें कॉलेज तक भी ये चीज जो है सप्लाई किया जा रहा था। अभी जांच पड़ताल जारी है तो उसमें ये चीज जो जिस लोगों को ये लोग सप्लाई करते हैं उन पे हम सब एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज बना के उसमें हम कार्रवाई करेंगे आगे। अभी तक कोई ऐसा कनेक्शन सामने नहीं आया है। जी, कितने लोगों की गिरफ्तारी कर क्या इस चीज से अंदेशा लगाया जा सकता है कि एक जाल जो है फैला हुआ है भागलपुर शहर में? एक नेटवर्क होता है, ये लोग आपस में एक नेटवर्क बनाते हैं जिसमें एक दूसरे को सप्लाई करते हैं, तो उस जितने भी नेटवर्क होता है उसमें कुछ लोग होते हैं जो सम्मिलित होते हैं, जिन्हें हम नियमित तौर पर जिनके ऊपर छापामारी हम करते रहते हैं, जो गिरफ्तारी होती रहती है उनकी। ये माफिया जो है ये गुलाम आलम है, ये लेके आता है फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने जो भी लोग हैं जो सप्लाई करते हैं नीचे वो सभी लोगों को। सर, ये भागलपुर के कई क्षेत्रों में फैला है, देखा है तो पिछले बार भी लोग गिरफ्तार हुए थे, कुछ युवक गिरफ्तार हुए थे, आगे भी छापेमारी होगी? छापेमारी हर क्षेत्र में जहाँ पे भी हमें सूचना मिलती है और जहाँ पे भी हमें
ये पता लगता है कि वहाँ पे होने की संभावना है। हम वहाँ पे लगातार छापामारी करती है पुलिस टीम। इसमें विभिन्न टाइम में हम देखा होगा आप लोगों ने कि हमने इसमें काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इसके ब्राउन शुगर के साथ साथ में भी गांजा में भी हम लोग